हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44, जो कि क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट इज इसकी 2 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। यहाँ पे जो आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अ स्कूल यूनिफॉर्म इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्लोथ वॉर्न इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी एक स्कूल यूनिफॉर्म ये स्टैंडर्डाइज करते हैं कि जो क्लोथ हैं वो बच्चे वो एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लिंक्ड है। हाउ विड नॉट एवरी वन फाइंड्स देन कन्वीनियंट और डिजायरेबल एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव देयर ओन व्यूज। प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन एंड जेंडर हैव ब्रॉट पब्लिक अटेंशन बैक टू द इशू ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। लेट अस लुक एट सम ऑफ द व्यूज शेयर अबाउट इट। तो आज हम स्कूल यूनिफॉर्म के कुछ व्यूज़ हैं उन्हें हम देखते हैं। द रेशनल फॉर यूनिफॉर्म इज क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। Uniforms can be regarded as promoting social equality among students and suppressing, at least reducing, bullying related to clothes among students. अब जो यूनिफॉर्म है वो सोशल इक्वालिटी प्रमोट करती है कि सभी बच्चे एक बराबर हैं। यूनिफॉर्म ऑल्सो रिगार्डेड एज प्रमोटिंग स्कूल प्राइड, वो स्कूल की प्राइड को भी प्रमोट करती है। द लोअर का कॉस्ट फॉर द पेइंग पेरेंट्स पेइंग फॉर क्लोथिंग एंड अकॉर्डिंग टू द मैनी स्कूल्स दे प्रोवाइड अ मोर orderly environment which allows students to focus better on their work and achieve higher academic standards. Uniform are also thought to contribute positively to the development of sense of discipline. यानी जो ये लोग इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, जिससे पेरेंट्स ईजिली खरीद सकते हैं। और इसके जब लोग पहनते हैं तो बेटर होता है वर्क, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं और सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी बना रहता है। द प्रैक्टिस हाउएवर हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर प्रमोटिंग अ फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्रिज्म। यूनिफॉर्मली सप्रेस द राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टू एक्सप्रेस दैमसेल्व थ्रू क्लोथ्स। ऑल्सो इवन इफ यूनिफॉर्म एम टू प्रमोट इक्वालिटी, चिल्ड्रन फ्रॉम मोर एफ्लुएंट फैमिलीज मे स्टिल फाइन हैव टू शो देयर मोर एक्सपेंसिव ट्रेंडिंग गारमेंट्स। यानी यही यूनिफॉर्म प्रैक्टिस की, मिलिट्रिज्म की बताया गया है। यूनिफॉर्म जो है होती है वो चिल्ड्रन की राइट पे उसकी जो एक्सप्रेस करे अपने आप को अपने क्लोथ से उसके बारे में बताता है। यूनिफॉर्म का एम जो होता है प्रमोट करना इक्वालिटी। चिल्ड्रन जो कि डिफरेंट फैमिली से हैं वो एक ही समान है और वो अपना शो ऑफ ना करें एक्सपेंसिव वे से। यानी अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो वो अपना कोई बच्चा जो रिच फैमिली से प्रमोट होता है तो वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, और जो पुअर फैमिली से तो उसमें कोई शो ऑफ दिखाने वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए यूनिफॉर्म बनाई जाती है। अब सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। यूनिफॉर्म लोअर द मनी मेड फॉर क्लोथिंग, स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट। इसमें आपका फर्स्ट रिजल्ट नहीं है, फर्स्ट रीज़न भी नहीं है, फर्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है सेकेंड का। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर थर्ड पर टिक कर लेंगे। बी है द रेशनल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म इज ग्रेटर लेवल प्लेइंग फील्ड। मीन्स दैट यानी जो रेशनल है स्कूल यूनिफॉर्म का वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, जिससे एवरीवन फील्स एट पार इन अ स्कूल क्लासरूम। यानी जो सभी एक जैसा फील करें अपनी स्कूल या क्लासरूम में। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल करना है। द राइटर इज नॉट ट्राइंग टू जनरेट एंड डैश थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट। तो राइटर डिस्कशन भी कर रहा है, आर्ग्यूमेंट भी कर रहा है, ओपिनियन भी दे रहा है, बट वो ऐसे नहीं दे रहा। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच मेक्स द करेक्ट यूज़ ऑफ इंक्लूजन। यानी इंक्लूजन का करेक्ट यूज़ कौन सा जो सेंटेंस है वो बता रहे हैं। तो द आइडियोलॉजी ऑफ इंक्लूजन इज इंक्रेज्ड इन डेमोक्रेसी। ये जो ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये करेक्ट यूज़ इंक्लूजन का बता रहा है। ई ऑप्शन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट। यानी एक्सट्रैक्ट की एसेंस को कौन सा जो सेंटेंस है वो सही डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें बताया गया था कि यूनिफॉर्म के बारे में, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर थर्ड पर टिक कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कम्प्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।